नबील नबील शहजाद मैं झुकेगा नहीं साला। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। आई एम सॉरी मैं बहुत लेट हूं और बहुत टाइम से इस चैनल पे काम नहीं कर रहा हूं। बहुत बहुत शर्मिंदा हूं मैं उस चीज के लिए क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस चैनल को भी एक्टिव रख सकूं लेकिन इंशाल्लाह मैं करूंगा। तो खैर अभी मैं मच वेटेड ट्रेलर पुष्पा देखने वाला हूं। अल्लू अर्जुन की नई फिल्म आ रही है ये और मैं बहुत बड़ा फैन हूं अल्लू अर्जुन का सिंस आर्या जो मैंने इनकी पहली फिल्म देखी थी और साउथ इंडियन पहली फिल्म ही मैंने आर्या देखी थी और मुझे उसके बाद से ही साउथ इंडियन मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं। लास्ट इनकी मूवी मैंने एक देखी थी नेटफ्लिक्स के ऊपर सबटाइटल के साथ देखी थी, उसकी हिंदी डबिंग नहीं आई हुई, पता नहीं क्या नाम था उसका, अल्लू उड़ू इस तरह कोई नाम था, लेकिन उसकी स्टोरी बहुत मजे की थी, अच्छी फिल्म थी। वो बच्चा स्वॉप हो जाता है बचपन में और इनकी डीजे मुझे बहुत अच्छी लगती है, इनकी बहुत सारी फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब क्योंकि मच वेटेड ट्रेलर है। 12 घंटे हो चुके हुए हैं इसको आए हुए को और मैं थोड़ा सा लेट ही हूँ, थोड़ा नहीं बहुत लेट हूँ खैर। तो देर ना करते हुए देखते हैं इस ट्रेलर को और अगर अभी तक आप लोगों ने इस ट्रेलर को नहीं देखा तो ट्रेलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां पे वो ट्रेलर देख सकते हैं और फिर मेरे साथ रिएक्शन भी इंजॉय करें। और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ साउथ इंडियन मूवीज मुझे काफी अच्छी लगती है, मैं क्रिटिक भी बन जाता हूँ समटाइम, मैं इंसल्ट भी करता हूँ जो ओवर रेटेड चीजें होती हैं, तो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, जो लोग इस चीज को माइंड करते हैं तो करते नहीं। खैर देर ना करते हुए बढ़ते हैं ट्रेलर की जानिब, सो लेट्स फर्दर अडू माइट रियली जंप इनटू द ट्रेलर। आयरन मैन की आवाज, हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में, सोना है ही सोना जो धरती पर उगता है, प्यार से लोग इसे लाल चंदन कहते हैं। मैं खुद ही मालिक हूँ। नबील नबील शहजाद मैं झुकेगा नहीं साला। पार्टी कब देगा भाई? हाँ सबसे पहली चीज जो मैं किसी मूवी के ट्रेलर को देख के जिस चीज से मैं एक्साइटेड होता हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, जब उस मूवी के बारे में बताया जाए कि किसी मूवी का पार्ट वन है, उससे ये फील होता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स और जितनी भी प्रोडक्शन टीम है उनको अपने प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंट है कि वो एक और पार्ट तक के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब सिर्फ इसी पे रिस्क नहीं ले रहे, मतलब कि ये बस ये बना ली चल गई तो अगली बनाएंगे, नहीं उन्होंने आगे की स्टोरी लाइन पहले से सोची हुई है। जब भी मैं कोई मूवी देखता हूं और उसमें ये चीज मुझे देखने को मिलती है ना कि वो आगे भी उन्होंने पार्ट टू का सोचा होगा, तो मैं इससे एक लेवल समझे कि अगर मैं यहां तक एक्साइटेड हूं तो मैं यहां तक हो जाता हूं।
उसका रीजन ये है कि मुझे फील होता है कि प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंट है, डायरेक्टर को अपने प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो एक और पार्ट के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। अब लास्ट मूवी मैंने जिस पे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ था इसी सीसी चीज पे, वो ये थी कि इट मूवी बनी थी, इट आप लोगों ने देखी होगी वन, लेकिन दूसरी बनाने में उन्होंने बहुत टाइम वेस्ट किया, बच्चे बड़े हो गए, बाद में उन्होंने सीजीआई करके बच्चे छोटे किए लेकिन वो मजा नहीं आया। तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है तो आप वेट नहीं करें उस चीज का, आप बनानी शुरू कर दें अगली फिल्म। जैसे हैरी पॉटर अगली से अगली बनती रहती थी, हैरी पॉटर की एनिवर्सरी आ रही है, मैं बिंज वॉच भी कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली उसका ट्रेलर भी आया है, क्या नाम है उसका, हैरी पॉटर नहीं विजर्ड्स, क्या नाम था, विजर्ड वर्ल्ड की मूवी आ रही है, फैंटास्टिक बीस्ट एंड द सीक्रेट ऑफ डंबलडोर, मैंने उसका ट्रेलर रिएक्शन रिकॉर्ड किया था पर डिलीट हो गया मुझसे, और मैं फेक करता नहीं हूँ तो आपको वो कभी देखने को नहीं मिलेगा उसका रिएक्शन, लेकिन वो मुझे अच्छा लगा ट्रेलर, और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ हैरी पॉटर यूनिवर्स का भी। खैर बैक टू दिस वर्ल्ड, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई अपने प्रोडक्ट के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस शो करता है कि अगला पार्ट के लिए भी इन्वेस्ट करता है, लाइक वो आई थी क्या नाम है उसका KGF पार्ट टू के लिए, वो ऑब्वियसली वो लेट हो गई मूवी ड्यू टू दिस पेंडेमिक, बट स्टिल उन्होंने रेडी बैठे थे बनाने के लिए। इसी तरह बाहुबली, तो इस तरह मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, तो पुष्पा के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ। इससे ना एक मुझे कन्वर्सेशन याद आई कि किसी ने बोला था कि जब मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, मुझे याद नहीं किसका इंटरव्यू था, वो ये था कि जब आप एक मतलब डार्क एक्टर लेना चाह रहे होते हो, मतलब कोई गरीब एक्ट, गरीब लोग दिखाना चाह रहे होते हो, तो आप अमीर एक्टर को ही मेकअप करके डार्क टाइप लुक देते हो, जैसे कि ऋतिक रोशन की एक आई थी 26 टाइप कुछ नाम था, तो उसमें ऋतिक रोशन को टैन किया हुआ था बहुत ज़्यादा, इसी तरह इसमें इनको टैन किया हुआ है। तो उनका ये कहना था कि अगर आप इस तरह की मूवी बनाना चाह रहे हो तो एक्टर ही उसी टाइप का लो जो उस करेक्टर में सूट करे। लेकिन यार देखो एक और चीज़ होती है कि, और देखो प्रोड्यूसर पैसा कमाना चाहता है, तो अब किसी एक उस एक्टर को लिया जाए, अब इसमें समझे इस रोल में अगर क्या नाम है उस एक्टर का यार, वो जो मौत को टच करके छू के वापस आ जाते हैं, अगर उनको लिया जाए, मुझे नाम कमेंट्स में बता दें, मेरे दिमाग से निकल गया एकदम से नाम उनका, तो उनको लिया जाए तो मास ऑडियंस नहीं आएगी, जो अल्लू अर्जुन की फैन है वो देखने नहीं आएंगे, और पैसा बोलता है भाई। खैर मूवी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, सिनेमैटिक सीन्स अच्छे होंगे, ओवर द टॉप एक्शन नहीं होना चाहिए, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, मुझे डिसेंट वो एक्शन अच्छा लगता है जो आप समझ पाए। मैं एक्साइटमेंट में गलत लफ्ज प्रोड्यूस प्रोनाउंस कर रखते हैं, काफी टाइम से रिएक्शन नहीं बनाया ना, तो मेरे अंदर का ये मर चुका है, और इस वेल वापस आएगा मेरा चीता वापस आएगा। खैर मैं काफी एक्साइटेड हूँ अल्लू अर्जुन की मूवीज के लिए, हिंदी डबिंग में देखूंगा क्योंकि ऑब्वियसली तेलुगु लैंग्वेज मुझे समझ नहीं लगती, लेकिन आई एम अ रियली बिग फैन, और मुझे पता है इंडिया से बहुत सारे लोग मेरे रिएक्शंस को देखते हैं, पसंद भी करते हैं, आई लव यू फॉर दैट, और ऐसे ही देखते रहे, अपना प्यार शेयर करते रहे, मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा, कोशिश करूंगा जुड़े रहने की, और बाकी ऊपर वाले की मर्जी, क्योंकि आप लोग शायद अगर नहीं जानते होगे तो मैं मोस्टली अपने दूसरे काम में काफ़ी बिजी रहता हूँ, मेरा व्लॉगिंग चैनल है, मेरा रिएक्शन चैनल को मैं इतना टाइम नहीं दे पाता उस रीजन की वजह से, देन शोज में बिजी रहता हूँ, देन ट्रैवलिंग एंड ऑल स्टफ। खैर कोशिश करेंगे वापस इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई रिएक्शन, प्लीज गिव मी अ बिग फैट थम्स अप अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा है, और कुछ सजेशन है, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल चीज़ पर रिएक्शन दूँ उसका लिंक भी नीचे शेयर कर दें डिस्क्रिप्शन के साथ, ताकि मैं पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ूँ फिर मैं बैठ के ही देखूँ। If you like watching the video, thumbs up, comment, share, like, जो करना है करें, do whatever you want to do, man. So guys, that's it for now. This is my trailer reaction. यहाँ पे मेरे चैनल आ गए, क्लिक करें, सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे मेरी दूसरी वीडियोज आ गई, enjoy करें, stay blessed, stay happy, enjoy your life. Bye, take care, peace.